अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो एक बात को गार्ड मान लो, कभी भी कहीं भी हो, आपको एक बात हमेशा सोचते रहना है कि आप जो भी कर रहे हो उसके आप काबिल हो। चाहे आपको 10 लोग कहे या 1000 लोग कहे कि तू उसके काबिल नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस जॉब के लिए बने हो, उस काम के लिए बने हो जो भी आप करना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को आसानी से हासिल कर सकते हो। यही आपका मोटिवेशन पॉइंट होना चाहिए। अगर आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो कि मोटिवेशन कहाँ से लाए, किस तरीके से लोगों से आप मोटिवेट हो रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, तो ये तरीके आपको कुछ देर के लिए ही फ़ायदा देंगे। बाद में आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, फिर अपनी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी और फिर आप वही करने लगोगे जो आज कर रहे हो, यानी सर्च करोगे मोटिवेशन कैसे मिलेगा इंटरनेट पे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो एक बार हमेशा सोचते रहिए कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसके काबिल है। आप इंडिया को बदलेंगे, आप आपके एतराफ़ के लोगों को बदलेंगे, क्योंकि आपके पास वो पावर होगा, आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ होगी जिससे आप लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट करते हो इन अ पॉजिटिव वे। अगर आपको सच में भी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, आपके एरिया को ट्रांसफॉर्म करना है, या आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको बदलाव लाना है, तो आपको ये मोटिवेशन रखना है। और देखिए, जितने भी टॉपर्स गुजरे हैं, जितने भी लोगों ने आज तक सक्सेस हासिल की है, उनके मुँह से भी आपको यही बातें सुननी मिलेगी कि हमें मोटिवेशन को मेंटेन रखना ही पड़ता था। और कुछ लोगों ने इंटरनेट पर भी सर्च किया होगा, इसमें कोई बुरी बात है नहीं कि आपको अगर मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप इंटरनेट से भी हासिल कर सकते हैं। आपके एतराफ़ की कुछ एटमॉस्फेयर लाइक वाइब से भी मोटिवेशन ले सकते हो, यानी आपके एतराफ़ में जितने लोग हैं आपको जो मोटिवेट करते हैं, वहाँ जाइए, उससे मिलिए, उससे बात कीजिए, आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलेगा। कोई बुक पढ़िए या कुछ वीडियो देखिए। जब भी आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें सोचिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको मोटिवेट करे, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे आपको ये लगेगा कि मैं आप जाकर यहाँ पर फोटो कैप्चर करूँगा और अपलोड करूँगा और ढेर सारे लाइक्स वगैरह हासिल करूँगा। इट्स नेवर गोना वर्क एंड इट वोंट मेक सेंस आई विल से, बिकॉज व्हाट इज द यूज़ ऑफ जस्ट कैप्चरिंग द पिक्चर्स एंड अपलोडिंग ऑन द इंटरनेट इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग लाइक मनी ऑन फ्रॉम समथिंग दैट कैन मेक योर करियर बेटर एंड ब्राइट। सो यू कैन हैव दोज ऑल थिंग्स when you have been waking up, but if you are not getting anything from it, social stuff, so you must have to leave it. I'm gonna talk to you about like this. I don't know what exactly you are gonna have these things in your from your perspective, but I will say this. And agar aapko aisa lagta hai ki aap aaj se barbaad hone wale hai, like aap UPSC ke qabil nahi hai ya fir kisi aur cheez ke qabil nahi hai, to aap apne aap ko fir se analyze kijiye. अभी भी टाइम है, 3 से 4 महीने का वक्त है, या फिर आप जब भी ये वीडियो सुन रहे हैं, आपको जब से लगता है कि 7 महीने, 9 महीने, 10 महीने या फिर 1 साल है, तो तब से ही अपने आप को एनालाइज कीजिए कहाँ पर आप गलत हो रहे हैं, कहाँ पर आप कम पढ़ रहे हो, वहीं से स्टार्ट कीजिए और पढ़ने में ध्यान लगाइए। आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, आपको खुद से पढ़ना है, मैं हमेशा कहते आया हूँ। और देखिए, अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए तो खुद से बदलाव करना होगा, आपको आपकी सोच पर ही कंट्रोल करना होगा, ना कि जब समझ में आ रहा है मूवीज़ देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, टाइम जाकर बर्बाद कर रहे हो, इंटरनेट पर कुछ भी चीज़ें सर्च कर रहे हो, तो आपका टाइम बर्बाद होगा, दिमाग की एनर्जी बर्बाद होगी, जिस्म की एनर्जी बर्बाद होगी। सो यू डोंट हैव टू डू दैट, यू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम पॉइंटिंग आउट हियर। सो जस्ट कीप योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम दोस ऑल स्टफ, ओके। एंड या इतना ही था वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए।